हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कितने पैसे कमाते हैं, आखिर उनकी क्या सैलरी होती है, आखिर वो कितने तक पैसे वहां पे कमा लेते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे पूरी वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी आपको अच्छा भी लगेगा और काफी आपको नॉलेज भी मिलेगा इस वीडियो को। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक करना, और इस वीडियो को कमेंट करना, और कमेंट करके बताओ कि आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को देखते रहना और लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कितना सैलरी होता है स्टूडेंट का ऑस्ट्रेलिया में, कितने तक वो कमा लेते हैं, इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कितना तक वहाँ पे कमा लेते हैं। तो बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो है, इंडियन स्टूडेंट जो है वो जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, वर्क तो करने जाते नहीं है। पर जो है, इंडियन स्टूडेंट जो है सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती, कुछ लोग पर पैसे होते हैं तो वो जाकर वहाँ इजली पढ़ाई कर लेते हैं। पर इंडियन जो अधिकतर जो इंडियन फैमिली है, आपको जैसे पता है इंडिया में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी बेरोजगारी है, काफ़ी मतलब इसीलिए इंडिया में थोड़ा जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, वो उनका भी सपना होता है ऑस्ट्रेलिया या किसी फॉरेन में जाके पढ़ाई करना। पर उनका जो मकसद होता है वो पढ़ाई करना नहीं होता है, वो जॉब करना भी होता है, कि वहाँ जॉब करके हम पैसे निकालें, अपने फीस निकालें, अपना लिविंग कॉस्ट निकालें, जो वहाँ हम जो रह रहे हैं वो कितना लग रहा है, इसलिए वो जॉब करते हैं और थोड़े पैसे बचाते भी हैं ताकि इंडिया में अपने घर परिवार को भेज सके। बेसिकली यही होता है अधिकतर, क्योंकि वर्क वीज़ा तो इसलिए मिलता नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, इसलिए अधिकतर लोग स्टूडेंट वीज़ा पर ही जाते हैं, वहाँ पर वर्क भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी हो जाती है उनकी, और अच्छे खासे पैसे भी बचा लेते हैं। तो बेसिकली जी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ कितना तक कमा लेते हैं, कितना तक वो मतलब हफ्ते का, हावर का, महीने का कितना कमा लेते हैं इसी। तो बेसिकली ये आपके डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, कि आप कितना कैसा वर्क कर रहे हो। बेसिकली इंडियन स्टूडेंट जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो उनका कोई जॉब फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, उनका कोई जॉब फिक्स नहीं होता है। तो वो जैसा वर्क करते हैं, अगर वो हार्ड वर्क करते हैं तो उनको मतलब बहुत हाई पे मिलेगा, अच्छा पे मिलता है हार्ड वर्क। जैसे हार्ड वर्क क्या होता है, लेबर का जॉब, क्लीनर का जॉब, या किसी आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो तो ऐसा आप जॉब करते हो तो आपको उसकी अच्छी पे रेट मिलती है। बेसिकली आप पढ़ाई की हो, किसी चीज़ का आपके पास नॉलेज है, तब आप उस नॉलेज पे आप कम से कम कहीं भी जॉब करोगे तो उसका भी आपको अलग पे रेट मिलेगा, तो वो अलग चीज़ है। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जो है, स्टूडेंट वीज़ा पे तो सिर्फ आप 20 घंटे ही वर्क कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, ये डिपेंड कर स्टूडेंट वीज़ा में होता है कि 20 घंटे आप वर्क कर सकते हो। पर मैंने जो नोटिस किया है कि जो मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे सिर्फ आप 20 घंटे ही वर्क नहीं कर सकते हो, आप अगर वहाँ पे लेबर क्लास जॉब या कंस्ट्रक्शन जॉब या किसी पेंटर का जॉब या लेबर का जॉब कर रहे हो तो आप 50 घंटे आपको हफ्ते में करने होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके पास कितना खाली टाइम है, आपके पास जितना ही टाइम है आप उतना वर्क कर सकते हो, कोई मतलब वो नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप किसी हार्ड वर्क कंस्ट्रक्शन का जॉब कर रहे हो, ये सारी चीज लेबर ओबर या पेंटर का जॉब कर रहे हो, तो उसमें ये सब डिपेंड नहीं करता है कि आप 20 घंटे वर्क करो, आप और अधिक भी वर्क कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि जी इंडियन स्टूडेंट जो है वो कितना तक पा जाते हैं वहाँ पे। तो सपोज करो आप कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन का जो सैलरी होता है वो लगभग होता है लगभग $25 से $30, $25 से $30 वहाँ पे एक घंटे के मिलते हैं। तो अगर आप सोचो $25 से $30 एक घंटे के पा रहे हो, सपोज करो आप $30 पा रहे हो पर घंटे के, तो इस हिसाब से आप अगर एक दिन में अगर 8 घंटे वर्क करते हो या 10 घंटे वर्क करते हो, लगभग एक दिन में आप $300 पा लोगे, लगभग ₹15,000, मतलब लगभग ₹15,000 आप एक दिन के पा ले रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा है, इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करके देख लो महीने के आपके कितने हो गए। बेसिकली आप अगर वहाँ लिविंग की बात करें, लिविंग कॉस्ट रहने की, तो वहाँ पे लगभग $1,000 आपके मैक्सिमम खर्च होते हैं, $1,000। अगर आप वहाँ उड़ा रहे हो तो वो अलग बात है, वो अलग खर्च होगा, मतलब उसका तो हम कुछ नहीं बता सकते। पर अगर आपका खाना पीना, रूम रेंट, ये सब सारी चीज़ें देख लें तो लगभग $1,000 तक आपके मतलब खर्च हो जाते हैं। ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मतलब कोई हम कुछ नहीं कर सकते। आप जितना बचाना चाहो उतना आप बचा सकते हो, जितना नहीं बचाना चाहो उतना नहीं बचा सकते हो, वो मतलब अलग बात हो गई। तो बेसिकली ये बात है, स्टूडेंट जो है आपको पता चल गया कितना, अगर आप किसी पेंटर का जॉब कर रहे हो, क्लीनर का जॉब कर रहे हो, तो उसमें $15 से $20 मिलते हैं पर आवर के। अगर आप लेबर का जॉब कर रहे हो तो उसका वहाँ पे लेबर की सैलरी लगभग मिनिमम जो होती है वो $18 पर आवर होती है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर लो कि कितना सैलरी होगा एक हफ्ते का, या जितने घंटे आप वर्क कर रहे हो
उस हिसाब से आप समझ लो। तो ये सारी जॉब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब ये सब जॉब अवेलेबल है, तो आपको इजीली ये सब जॉब मिल जाते हैं वहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाकर वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हो जॉब भी कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसे हैं, फंड अच्छे हैं, तो आप वो, तो बाकी सारी मैं वीडियोस बता चुका हूँ कि आप कैसे जाओगे, स्टूडेंट वीजा क्या होता है, कैसे वहाँ पे जॉब करते हैं, सारी चीज़ें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हो। और यार अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताओ अगला कौन सा वीडियो चाहिए आपको, फिर मैं अगला आपको वीडियो बना के ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो वीडियो मैं आपको बना दूँ। तो प्लीज़ यार थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।